चलिए गाइस, हम आपको आज लोवर सिलना सिखाते हैं। एनएस लेकर आए जिसकी हम जेब बना लेते हैं। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको नए नए डिज़ाइन और हम लोग लाते हैं। इसमें लाल 2 इंची जोड़ी पट्टियाँ घुटनों पर आएगी है। और यहाँ से और भी कटता है कपड़ा, ये देखिए। इस प्रकार से हम डिज़ाइन को लगा लेते हैं अपने को और लोअर बनाए। और उसके बाद में मतलब की सिलाई मार देनी है दूसरे मेहंदी वाले कपड़े। लाल को साफ सिलाई देनी है कतई। और ये दूसरा वाला पल्ला ले लिया है हमने, दोनों पर सिलाई कर देते हैं इसको। चलेगा बिल्कुल बढ़िया तरीका सिलाई, लोअर सिलना सिखाया जाएगा। मेरे भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन लंबी हो जाएगी आपको अच्छी लगेगी। चलिएगा और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर देंगे, चाहे आपको नई वीडियो आती रहे और हमारे मन लगेगा वीडियो में। चलिए 5 इंच का जेब का मिसाल तो लास्टिक का 6 इंच का जेब का मुंह रहेगा इसमें। और कोई समस्या चलिए इसको चौकोर करके हम सिलाई मार लेते हैं इसमें। ये हमारी जेब अटैच हो गई हैं, दोनों जेब अटैच हो जाएंगे हम लोगों की, ये देखिएगा। इसी प्रकार से आपको अब इसमें चैन लगानी है। चैन मेरे भाई ऐसे लगानी है, बिल्कुल चैन चमके नहीं बिल्कुल। और चलेगा अब इसमें हम टांकी बांध लेते हैं। ये हमारी टांकी बन गई है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी जेब को तैयार कर लेंगे, ये देखिएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी चैन जेब तैयार हो जाएगी हमारी। लप पे सिलाई मारने चैन की भी इसी प्रकार से मजबूती से टांकी बांध देनी है आपको, जाके लिख रहे हैं ये देखिए। हमें टांकी बांध दी है, मजबूताई से टांकी बांधनी है आपको। चलिए बैक उठाते हैं इसके। अब बैक नीचे रखे फ्रंट ऊपर से इसमें सिलाई मार देनी है हमको। और यहाँ पर लॉकअप से ध्यान रखना है वरना आपकी सुई टूट जाएगी, ये देखिए। हम इसी प्रकार से दोनों बैक फ्रंटों को तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद इसकी साइड में ओवरलॉक लगेगी। चलिएगा इसको पोर्ट्रेट मशीन पर ले जाइए। इसकी ओवरलॉक लग चुकी है। ओवरलॉक लगने के बाद में इस पर हम लोग लव की सिलाई मारेंगे, ये देखिएगा। इस पर लव की सिलाई लग चुकी है, दोनों फ्रंट बैक के बैक पे को लगेगी लव की सिलाई, ना कि फ्रंट पर को, बढ़िया तरीका से। चलेगा अब इसको बैक और फ्रंट को आपस में जोड़ लेते हैं, ये देखिए। दोनों को सिलाई मार दी, ऊपर से लव की और पैर की सिलाई लगी ताकि ये लोअर लिख रहे हैं। मजबूताई से आप लोगों को बनाना है। और कोई आपको समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी छोड़ दूंगा। और यहाँ के पीछे के टाँगे आसन पर टाँगे आपको मजबूत करके मारनी है ताकि लोअर निकले नहीं। इसके 20 इंच का गैदर आ रहा है, चलिए एल साइज है आपका। इसका 4 इंच की इलास्टिक, 24 इंच की इलास्टिक लगेगी इसमें। चलिए 4 थ्रेड का हमें इसको और लॉक मान लेते हैं और चौथाई करके इलास्टिक लगाएंगे इसमें हम लोग, ये देखिए। चौथाई होकर इलास्टिक लग जाएगी आपकी इसमें, चौथाई होकर लगेगी इलास्टिक। चलिए किसी में से हम इलास्टिक पक्का करने के लिए ले आते हैं। और ये इलास्टिक पक्की होएगी आपकी। चलेगा इलास्टिक पर 3 सिलाई मार देनी है आपको, 1 2 3 3 सिलाई मारने। चलिए इसको हम मोहरी लगाते हैं इसमें, मोहरी की इलास्टिक लगेगी जो मोहरियों में होती है, नीचे से बंद मोहरी का रहेगा, 9 इंच की रहती है। एक पैर का सिलाई मार लें। चलो अब इसको अंदर करके फोल्ड कर लेते हैं।